आप देख रहे हैं न्यूज हाल चाल इंडिया, मेरी नाम अभिनीता के साथ आई देखते हैं जाके कुछ खास और बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस भोपाल प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कसाना के नेतृत्व में आज बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महिला कांग्रेस की कई कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रही। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा, जब गैस सिलेंडर 414 रुपये का था तब भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा लगता था, आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये के ऊपर पहुंच गया है, ऐसे में घरेलू महिला कैसे अपना घर चलाए और कैसे अपने बजट को बैलेंस करे। आज सबसे ज्यादा महंगाई की मार महिलाओं पर पड़ रही है, इसलिए आज हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में हमारा यह विरोध प्रदर्शन जारी। देखिए, जब गैस सिलेंडर 414 रुपए का था तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो बहुत महंगा लगता था, और आज गैस सिलेंडर की कीमतें 1000 से ऊपर पहुँच गई है, ऐसे में गृहणियाँ कैसे अपना किचन चलाए और किस तरह से बजट को बैलेंस रखे ये समझ में नहीं आ रहा। केवल रसोई गैस ही नहीं, खाने का तेल महंगा हो चुका है, कुल मिलाकर महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाओं पे पड़ रही है, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। हमारा ये विरोध आगे जारी रहेगा।